हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएन जूनियर विंग। आज हम करेंगे क्लास 10th का ही टॉपिक जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये इसका थर्ड पार्ट बनेगा। पहले पार्ट 1 और 2 हो गए हैं, अगर आपने नहीं देखे चैनल पे वो डल चुके हैं, आप उनको वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। सो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे हम ब्लैक सोयल के ऊपर आ गए थे कि ब्लैक सोयल कहाँ कहाँ मिलती है और किस फसल के लिए बेस्ट रहती है। तो ये मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ये सोयल है, ये जो कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सोयल मानी जाती है। और बात करें जो ब्लैक सोयल है, एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये इसकी जो कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और इन केस रिच होती है किसके अंदर, सोयल न्यूट्रिएंट्स क्या कौन कौन से मिलते हैं इसके अंदर। आपको कैल्शियम देखने को मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास, ये सब आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। यहाँ तक हम पहले करवा चुके हैं, आगे हम करेंगे। देखो जो सोयल है उसकी 6 टाइप हैं हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा इंडिया का, तो इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है इंडिया के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप के ऊपर, ये है फॉरेस्ट एंड माउंटेन वाली, ठीक है। ये आपको जम्मू कश्मीर वाले एरिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो गया आपका, उत्तराखंड वाला, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, ठीक है। एलुवियल सोइल कौन सी होती है, जो सबसे जो है फर्टाइल सोइल मानी जाती है। और ये देखिए आप, राजस्थान वाले कुछ एरिया में भी है, कुछ कुछ राजस्थान में, कुछ ये गुजरात वाला हिस्सा है, राजस्थान में एक स्ट्रिप बनी हुई है इसकी, ठीक है। और लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर, जो हमारा हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, कुछ ये आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। और ये जो ये देखो यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट की तरफ से भी आपको ये देखने को मिलेगी, उड़ीसा वाला एरिया हो गया, ठीक है। सो एलुवियल सोइल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत में फैली हुई है, बट उतनी नहीं है जितनी और सोइल्स हैं। जैसे रेड एंड येलो सोइल आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, देखो रेड एंड येलो सोइल्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है। आपके साउथ में रेड एंड येलो सोइल है, ठीक है, कुछ उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ हो गया, और नियर बाई तेलंगाना आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। और ब्लैक सोइल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये देखिए जो पूरा प्लेटू एरिया है, डेक्कन प्लेटू वाले, उस पर आपको ब्लैक सोयल देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, थोड़ा बहुत गुजरात हो गया, लेटराइट सोयल होगी आपकी, आप लेटराइट सोयल आपको देखने को मिल रही है। कहीं कहीं है लेटराइट सोयल, कुछ यहाँ पर है कच्छ और गुजरात की नियर बाई, और कुछ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी, राइट। और एरिड सोयल आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी आपको, एरिड, ठीक है। एरिड के लिए हम बात करें, ये देखिए एरिड, एरिड आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, देखिए एरिड आपको जो हमारा डेजर्ट है थार डेजर्ट, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये 6 टाइप हैं सोयल की आपको इंडिया में अलग अलग ज्योग्राफिकल प्लेस पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ तक हमने ब्लैक के बारे में पढ़ लिया था, ब्लैक सोयल के बारे में। सो थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे उसके बारे में, ठीक है। लाइम, दीज सोयल्स आर जनरली, जो ये सोयल है जनरली क्या है, पुअर है किस चीज़ के अंदर, फॉस्फोरिक कंटेंट्स आपको इसके अंदर कम देखने को मिलेगा। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। और इसके अंदर ना, इस मिट्टी के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये मिट्टी जहाँ जिस खेत में होती है वहाँ पर क्रैक हो जाते हैं, बड़े बड़े डीप्स क्रैक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, विच हेल्प्स। और ये दरारें क्या हेल्प करती हैं, प्रॉपर एरिएशन। एरिएशन मीन्स क्या होता है, जब सोयल के अंदर जो है मिट्टी के अंदर हवा का मिलना, डेट इज कॉल्ड एरिएशन। और दी सोयल्स आर स्टिकी, स्टिकी चिपचिपी हो जाती है, ये वेट हो जाती है थोड़ी सी, डिफिकल्ट टू वर्क, और इसके ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अनलेस टिल्ड इमिडिएटली, जैसे ही इसके अंदर मॉइस्चर मिल जाता है ना, हमें उसी टाइम इसको जो है ना सिंचाई कर देनी चाहिए, इसकी खुदाई कर देनी चाहिए, इट मीन सिंचाई। फर्स्ट शावर ऑन ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, और मानसून के पीरियड से पहले ही, मतलब जो फर्स्ट शावर होता है, और उसी में हमने इसकी जो जुताई कर देनी है, जिससे जो है कोई भी जो हम फसल उगाएंगे इसके अंदर ब्लैक सोयल में, खासकर कॉटन, तो वो आसानी से और बेहतर तरीके से फसल उपजे इसके अंदर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रेड एंड येलो सोयल्स, ठीक है। हमने ब्लैक सोयल के बारे में पढ़ा, हम पढ़ेंगे हम रेड और येलो सोयल के बारे में। अब यहाँ पर दो नेम क्यों रखे गए हैं इसके, रेड और येलो, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेड एंड येलो सोयल, रेड सोयल्स डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है, इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जहां पर रेनफॉल कहाँ होगा, जहां पर लो रेनफॉल होगा, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। जो साउथ वाला एरिया है वहाँ की ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में आपको देखने की मिलेगी। येलो एंड रेड सोयल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी सोयल। देखो ये जो हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं ना, एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं,
इसके अंदर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज सोयल के अंदर क्या है, आपको सोयल के बारे में पता होना चाहिए कौन सी सोयल है और वो किस एरिया में मिलती है और उस मिट्टी में कौन कौन सी फसल उपजती है, ये आपको पता होना चाहिए मेन चीज तो। ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पिडोमेंट जो है, जो पिडोमेंट क्या होता है, फुट हिल, जो एरिया फुट की हिल पे मिलेगा, जो हिल की फुट पे मिलेगा आपको, जो फुट हिल का जो नीचे वाला एरिया होगा उसको पिडोमेंट का मतलब ही क्या होता है, फुट हिल होता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलेगी। दीज सोइल्स आर डेवलप ए रेडिश कलर, अब इसका कलर रेडिश होता है, डेट्स वाई इसको रेड सोइल बोलते हैं। और डिफ्यूजन ऑफ आयरन, और क्यों क्यों होता है इसको जो है रेड कलर क्यों होता है, आयरन की मात्रा के होने के कारण क्रिस्टलाइंस में अंदर, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से इट्स लुक येलो व्हेन इट अकर इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, अगर इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिल जाता है तो इसकी जो शेप है, जो इसका कलर है, वो कैसा हो जाता है, इस मिट्टी का येलो हो जाता है, इसलिए हम इसको जो है रेड सोयल भी बोलते हैं और येलो सोयल्स भी बोलते हैं। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा सारी चीजें। ठीक है, हमने ब्लैक के बारे में पढ़ा, हमने रेड यानी येलो सोयल के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे लेटराइट सोयल, ये देखिए आपको पिक्चर भी नजर आ रही होगी कैसा इसका जो है कलर होता है लेटराइट सोयल का। ठीक है, सो जो लेटराइट सोयल हैज बीन ड्राइड फ्रॉम द, अब इसको लैटिन वर्ड से निकाला गया है सोयल का नाम। ठीक है, विच मीन्स ब्रिक, ब्रिक मतलब क्या होता है, ईंट होता है ब्रिक का मतलब। ठीक है, ब्रिक का कलर आप लोगों ने देखा होगा, रेडिश कलर होता है लाइक। ठीक है, द लेटराइट सोयल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मिट्टी, जहां पर एरिया कैसा होगा, वेट एंड ड्राई मतलब वेट मतलब थोड़ा सा बहुत सूखा, वेट मतलब थोड़ा बहुत गीला, और ड्राई मतलब बहुत ज्यादा सूखा, दोनों टाइप के मौसम में। दिस सोयल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग टू हैवी रेन, अब लीचिंग क्या होता है, जब मिट्टी के अंदर से जो उसके टॉप लेयर होती है हमारी मिट्टी की फर्टाइल लेयर, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाय रेन वो अगर बह जाते हैं, या फिर मिट्टी जो है वो ऊपर वाले जो फर्टाइल एरिया होता है पूरा का पूरा, जो ह्यूमस होती है ऊपर मिट्टी की, वो सारी की सारी धरती के अंदर चली जाए, ठीक है, उसको हम लीचिंग कहते हैं। लेटराइटिक्स सोइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, ये अंदर तक आपको देखने को मिलेगी, एसिडिक लेवल इसका पीएच 6.0 होता है, और जनरली जो होता है डेफिशिएंट होता है इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स वेस्टर्न घाट्स रीजन एंड महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, उड़ीसा सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड नॉर्दर्न ईस्ट रीजन में आपको देखने को मिलेगी मिट्टी, वेयर दिस सोइल स्पॉट ऑफ डेसिडियस एंड एवरग्रीन्स फॉरेस्ट इज ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स। अब देखो इसके अंदर ना ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, जो भी पेड़ पौधों के, ये देखिए इसका आप डायग्राम देख लें कैसा इसका कलर होता है, ये आपको पता होना चाहिए लेटराइट सोइल। ठीक है, लैटिन वर्ड्स इसका नाम निकला है। ठीक है, अब ह्यूमस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जब पेड़ पत्ते होते हैं, पेड़ होते हैं या पत्ते होते हैं, उनकी टहनियां होती हैं, जब वो मिट्टी में गिरकर जो है एज ए खाद, बायोगैस, बायो जो है डिग्रेडेबल चीजें जब वो बन जाती हैं, और उसके अंदर जो है ना क्वालिटी ऐसी आ जाती है कि वो जो मिट्टी को उपजाऊ बना सके, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर, कुछ जगह आपको जो है ना ये मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस है वो कम देखने को मिलेगी। ठीक है, सेमी एरिड एरिया के अंदर दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑफ द लैंडस्केप, अब डिग्रेडेशन क्या होता है, जो आपका जो पहाड़ों वाला इलाका होता है उसके अंदर आपको डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, मिट्टी का जो है कट जाना या फिर मिट्टी की जो है फर्टिलिटी कम हो जाना, इट मीन्स, ठीक है, डिग्रेडेशन होता है। आफ्टर अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सोयल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज, अब ये मिट्टी आपको हिली एरिया में देखने को मिलेगी, ठीक है, और कर्नाटका केरला के अंदर, इसके इसके साथ ना इसको स्टेबल किया जा सकता है, इट मीन्स क्या है, इस मिट्टी को फर्टाइल किया जा सकता है कुछ चीजों के अंदर रोकथाम करके, तमिलनाडु हो गया, सोयल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, अब इस मिट्टी में क्या उगाया जाता है, आपकी चाय उगाई जाती है, आपकी कॉफी हो गई, और रेड लेटराइट जो सोयल है वो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश एंड केरला एंड मोर सुटेबल, अब मोर सुटेबल किसके लिए है, आपकी ये कैशू, आप लोगों ने सुना होगा आप काजू के बारे में, तो वहां पर काजू उगाए जाते हैं और उसके लिए भी बेस्ट सोयल मानी जाती है, कौन सी मिट्टी की बात करें हम, जो है लेटराइट सोयल की। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एरिड सोयल। ठीक है, अब ये एरिड सोयल जो है नेक्स्ट सोयल है हमारी एरिड सोयल। ठीक है, ये एरिड सोयल आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, ये वाला एरिया में देखिए आप, ये एरिड सोयल। ठीक है, सो एरिड सोयल रेंज जो है फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर में होती है, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सैंडी होती है टेक्सचर के अंदर,
मतलब जो हमारा सैंड होता है उस टाइप की, अब इनकी जो है टेक्सचरिंग होती है इसके अंदर। इन सम्स एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, इसके अंदर जो है आपको सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो सॉल्ट है इज ऑब्टेन बाय द इवेपोरेटिंग द वाटर, आप सभी को पता है जो सॉल्ट होता है वो कहाँ से मिलता है, समुन्दर के अंदर जो है पानी है और पानी के अंदर सॉल्ट है। जब पानी वेपोरेट हो जाता है ना, आप जो आपके इलाके होते हैं तटीय इलाके होते हैं जैसे गुजरात वाला हो गया, कच्छ वाला इलाका, तो वहां पर जो पानी वेपोरेट होकर क्या बन जाता है, वेपोरेट होने के बाद उसमें से नमक रह जाता है और पानी हवा में उड़ जाता है, ठीक है। सो ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर्स इवेपोरेशंस ऑफ द फास्टर एंड द सोयल लैक्स ह्यूमस एंड द मॉइस्चर, द लोअर होरिजन ऑफ द सोयल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। देखो भाई इस एरिड सोयल के अंदर क्या है, आपको जो है ह्यूमस बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है, मॉइस्चर्स आपको इसमें कम देखने को मिलेगा, कंकर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। डाउनवर्ड्स देयर कंकर्स लेयर्स फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन्स रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन। अब ये जो मिट्टी है ना आपको खासकर जो राजस्थान वाला एरिया हो गया वहां देखने को मिलती है, जो आपका वेस्टर्न इंडिया है हमारा, ठीक है, पश्चिमी इंडिया जो भारत है हमारा, सो वहां पर ये देखो ये मिट्टी क्या करती है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है रोकना। इस मिट्टी के अंदर ना बहुत गहराई तक जाए तो इसके अंदर ना पत्थर होते हैं, आज जब पानी मिट्टी के अंदर जाएगा पत्थर उसको रोक देंगे पानी को, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा पानी और ज्यादा उसके अंदर सीप नहीं होगा। जब पानी सीप नहीं होगा तो क्या हम सोइल को फर्टाइल बना सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पानी अगर वो पिएगी नहीं तो ऊपर के ऊपर से जो पानी थम जाएगा और आसानी से हम उसमें कोई भी जो है फसल उगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। प्रॉपर इरीगेशन दी सोइल्स बिकम कल्टिवेबली एज द मीन इन द केस ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। ये मिट्टी आपको जो डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा ये राजस्थान वाला जो एरिया होता है इस तरह का पूरा नजर आता है आपको उस टाइम में, ठीक है। सो ये मिट्टी आयरिड जो है सोइल आपको खासकर जो बंजर इलाका वहां देखने को मिलेगी, बट थोड़े से हमें इसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, राइट। आगे हम बात करेंगे इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इसका नाम क्या है, फॉरेस्ट सोइल, जो मिट्टी जंगलों में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, फॉरेस्ट सोइल, राइट। दीज सोइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया में देखने को मिलेगी वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट। अब जहां पर रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगी, जहां पर बारिश ज्यादा होती है उन्हीं को हम रेन फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है, और जिस फॉरेस्ट के अंदर दिस सोइल स्ट्रक्चर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड, और माउंटेन वाले जो एरिया है वहां पर ये फॉर्म्ड होंगी, ठीक है, फॉरेस्ट जो सोइल होते दे आर लोमी, इनका जो है कैसा होगा साइज, लोमी होगा, ठीक है, एंड सिल्टी एंड वेली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स इन द स्नो कवर्ड एरिया। अब ये एरिया में कहाँ मिलेंगी, स्नो कवर्ड एरिया आपको देखने को मिलेगी मिट्टी, कौन सी मिट्टी की बात हो रही है हमारी यहाँ पर, जो है फॉरेस्ट सोयल की बात हो रही है, ठीक है, जो मिट्टी जंगलों में मिलेगी सिंपल सी बात है वो फॉरेस्ट सोयल कहलाएगी, ठीक है। और ये हमारा कौन सा एरिया, आप सभी को पता है इंडिया में हिमालय रेंज होगी जैसे की, ठीक है, ऑफ हिमालय दी सोइल्स आर एक्सपीरियंस सो डेनुडेशन एंड डेनुडेशन वही एसिडिक विद लो ह्यूमस होगी यहाँ पर कंटेंट, द सोइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली। आप सभी को पता है देखो अगर कोई पहाड़ है, अगर पहाड़ के ऊपर कोई बारिश हुई या पानी गिरा तो उसके ऊपर वो जो सारी की सारी मिट्टी है वो नीचे बह के आएगी, ठीक है, इस दो पहाड़ों के बीच में वैली होती है, ठीक है, ये वैली वाला एरिया वैली, ठीक है, ये मोस्ट फर्टाइल एरिया होता है, और यहाँ पर डेनुडेशन होगी, यहाँ पर जो है कोर्स जो चीजें हैं वो सारी सारी ऊपर होंगी, मिट्टी ऊपर जब रुक ही नहीं पाएगी क्या वो एरिया ऊपर का फर्टाइल हो जाएगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो आप क्या करोगे इसके अंदर देखोगे कि भाई जो सारी की सारी मिट्टी प्लेन एरिया में आ जाएगी, जो एरिया जिससे वो फर्टाइल हो जाता है, राइट। सो इसके अंदर हम बात करें कि लो ह्यूमस कंटेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, और पर्टिकुलरली क्या होता है जो वैली एरिया हो वो जो है रिवर्स टेरिस का वो एलुवियल फैंस या फिर फर्टाइल होता है, ठीक है, मैंने वही बात की आपको कि जो टॉप होता है ना पहाड़ों का कोई भी, तो वहां पर तो पानी बहेगा जिससे क्या हो जाएगा मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी एरिया कहाँ देखने को मिलेगा, वैली एरिया में देखने को मिलेगा, जो फुटिल होती है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट। सो आगे हम बात करें सोयल इरोजन एंड सोयल कंजर्वेशन। देखो भाई सोयल इरोजन क्या होता है, भूमि अपरदन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, भूमि का कटाव, भूमि का चला जाना, जो टॉप लेयर होती है ना मिट्टी की, टॉप जो सॉयल होती है उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, या मिट्टी की जो ऊपरली परत होती है जिसको हम फर्टाइल एरिया कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, वो सारी की सारी बह जाती है, ठीक है, वो उसको कहते हैं सोइल इरोजन। अब सोइल कंजर्वेशन की बात करें कि सोइल को हम कैसे बचा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं सोइल
कंजर्वेशन की। अब ये सोइल इरोजन है, देखिए आप लोग इसके अंदर डायग्राम में, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में आपको जो कुछ तो देखने को मिलेगा। और आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा इसकी स्लाइड अलग बनी है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एक एक लाइन्स में आपको एनसीईआरटी की पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ा रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सोइल इरोजन, यहाँ पर देखो पानी बह रहा है और मिट्टी यहाँ देखो कैसे कट कर जो है सारी की सारी पानी में मिल रही है, ठीक है, ठीक है। सो सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन के बारे में बात करें, द डेनुडेशन ऑफ द सोइल कवर्स एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इन द डिस्क्राइब्ड एज सोइल इरोजन, जो ऊपर की जो लेयर होती है, जब उस वॉश करना मतलब उसको उड़ जाना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन एंड इरोजन्स गो ऑन द साइमल्टेनियसली। देखो भाई आप सभी को पता है कि सोइल इरोजन भी होता रहता है और सोइल फॉर्मेशन भी होता है, तो ये दोनों की चीजें जो है चीजें वाइस वर्सा है, मतलब तो होता भी रहेगा और कटती भी रहेंगी, और देर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, बैलेंस बनता रहता है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। देखो भाई अकेला इंसान ही है जो पूरे इन्वायरमेंट का दुश्मन बना हुआ है, बाकी कोई जंगली जानवर आपको नहीं देखा होगा कि शेर जंगल काट रहा है, एलिफेंट जो है पोल्यूशन फैला रहा है, इंसान ही इस दुनिया में ऐसा है जो पोल्यूशन फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो डिफोरेस्टेशन कर रहा है, जंगलों को काट रहे हैं हम लोग, ओवर ग्रेजिंग, हमने सारे चारे खत्म कर दिए हमारे पशुओं ने, हमने इट मीन्स अगर चारे देखो अब ओवर ग्रेजिंग इट मीन्स क्या है, जो घास के मैदान होते हैं ना तो वहां पर घास उगी रहती है, जब वो घास उड़ जाएगी पशु उसको एरिया को चट कर जाएंगे, तो वहां पर जब बारिश होगी तो सारी की सारी मिट्टी बह नहीं जाएगी, तो मिट्टी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ चीजें तो चाहिए, जैसे उसमें घास थी, घास उसको मिट्टी को बांध के रखती है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग हम कर रहे हैं लोग, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, माइनिंग बहुत ज्यादा खुदाई कर रहे हैं, पिछले हमें पढ़ा था कि माइनिंग करके जो लोग है ना, जो कंपनी है वो साइट्स को फ्री फ्री छोड़ के चली जाती है, ठीक है, उनको फिल नहीं करती है जो है। फोर्सेस लाइक विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर लीड टू सोइल इरोजन, ये सब फैक्टर है, विंड हो गया, ग्लेशियर, वाटर, ये सब फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है सोइल इरोजन के लिए, ठीक है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सोइल्स एंड मार्क मेक्स एम डीप चैनल टू द गलीज। गलीज क्या होती हैं, एक लाइम की जो लेयर्स बन जाती हैं जिससे पानी बह बह करना उस मिट्टी को बहा देता है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे हम डायग्राम देखेंगे, द लैंड्स बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड नोन एज बेड लैंड। जो लैंड एरिया अब फर्टाइल नहीं रहा, जिसमें से जिसके अंदर से फसल उगाना इम्पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स सो इम्पॉसिबल है, सो उसको हम कहेंगे बेड लैंड। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवाइंस, भी कहते हैं इस एरिया को जो है ना, रिवाइंस भी इसी को कहेंगे चंबल एरिया में। समटाइम्स वाटर फ्लो एज ए सीट ओवर लार्ज एरियाज। देखो जो ऊपर की हमारी मिट्टी होती है ना, जो हमारी मिट्टी होती है टॉप, उसकी एक शीट होती है, प्रॉपरली शीट ही होती है, जब उसके ऊपर से पानी बह जाएगा, जब पानी बहेगा तो ऊपर की जो टॉप सॉयल है ना वो फर्टाइल सॉयल होती है, वो बह जाएगी, तो जो टॉप सीट है उसकी, उसके अंदर से क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। इन सच केस द टॉप, आगे हम पढ़ेंगे, इन केस ऑफ टॉप सोयल क्या हो जाएगी, देखो ये डायग्राम आपको गली इरोजन का है, ठीक है, इसमें जो है आपको ये देखो ये गली इरोजन, ठीक है, इसमें से आपको नजर आ रहा होगा जब पानी है ना धरती के अंदर जा रहा है, गलियां बन रही हैं लंबी लंबी सी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है। सो यस थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं इसको, ठीक है, ओके। सो सोयल इज वॉस्ट अवे, अब सोयल तो बह चुकी है, ठीक है, पानी ने बहा दिया उसको, दिस नोन एज शीट, और शीट इरोजन भी इसको हम कहते हैं, विंड ब्लोस लूज सोयल फॉर द फ्लैट स्लॉपिंग्स एंड लैंड ऑन विंड इरोजन। देखो जो सोयल मिट्टी जो है हवा की वजह से उड़ गई उसको हम बोलेंगे विंड इरोजन। सोयल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ द फार्मिंग। अब देखो अब सोयल इरोजन का एक और कारण है कि हमें जो फार्मिंग है ना करनी नहीं आती ढंग से, तो उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है सोयल इरोजन को इनहेंस करने में। प्लॉइंग्स इज अ रॉन्ग वे, अब हम जो खेतों में जुताई कर रहे हैं, खेत में जो बो रहे हैं उसको बहुत तरीके गलत तरीके से कर रहे हैं, अप और डाउन उसके अंदर स्लोप है, चैनल्स के अंदर क्विक फ्लो वाटर लीडिंग टू सोइल इरोजन। देखो हमारे जो खेत है वो बिल्कुल समतल होने चाहिए, बिल्कुल प्लेन, अगर थोड़ा सा खेत इधर है तो आपको पता है ये पानी यहाँ से आएगा और यहाँ बह जाएगा, इट मीन्स क्या होगा कि जो है वो मिट्टी को बहा के ले जाएगा उससे उस तरफ, उस छोर से उस छोर ले जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा सोइल इरोजन हो जाएगा। प्लॉइंग्स अलोंग द कंटोर लाइंस, अब कंटोर फार्मिंग होती है, डिसेलरेट जो है एक्सेलरेट डिसेलरेट मतलब क्या है, उस चीज को कम करना, फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, ठीक है। अब आप कोई चीज अगर हम प्लेन कर दें तो इट मीन्स क्या, मिट्टी बहेगी नहीं, पानी वहीं पर ठहरा रहेगा और आसानी से हम लोग जो है मिट्टी के अंदर कुछ भी बो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग का आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं डायग्राम नीचे, कंटोर प्लोइंग का स्टेप्स कैन बी
कट आउट द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। देखो हम कंटोर फार्मिंग करेंगे, हम टेरेस फार्मिंग करेंगे, ठीक है, हम उनके लिए जो ट्री की वो शेड लगा देंगे, ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन, ठीक है। अब टेरेस फार्मिंग क्या कर देगी, इरोजन को रोकने में हेल्प करेगी। वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय के अंदर आपको है वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। अब कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय है वहां पर कैसी फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग होती है, क्योंकि वहां पर प्लेन एरिया नहीं है, वहां पर पहाड़ी इलाके हैं, तो वहां पर टेरिस फार्मिंग, कंट्रोल फार्मिंग ही सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स फॉर्म में, स्ट्रिप्स आर ग्रासेस आर द लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्सेस ऑफ द विंड। देखो स्ट्रिप्स फार्मिंग होती है यहाँ पर, ठीक, कंट्रोल फार्मिंग होती है, टेरिस फार्मिंग होती है, ठीक है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। हमने स्ट्रिप क्रॉपिंग क्रॉपिंग देखो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, हमने जो टेरिस के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हमने एक और है हमारा, ये स्ट्रिप्स होगी हमारी और स्टेप्स होगी और कंटोर जो हमारे हो गए, ये देखो तीन फार्मिंग हमने यहाँ पर पढ़ी, ठीक है। सो प्लांटिंग लाइंस ऑफ द ट्रीज, देखो यहाँ पर चौथी आएगी अभी, शेल्टर्स आल्सो, शेल्टर बेल्ट कहते हैं, रोज ऑफ द सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, ठीक है। अब हमें मिट्टी को ना किस तरीके से रोकना है, तो हमें नई नई टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। हम टेरिस यूज करेंगे, हम कंटोर यूज करेंगे, हम स्ट्रिप्स करेंगे। दीज शेल्टर्स बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलाईजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स एंड द, देखो सैंड ड्यून्स क्या होती है, जो हमारा राजस्थान वाला एरिया या फिर जो सैंड वाला एरिया है वहां पर ना एक शेप बन जा देती है हवाएं, और ऊपर ऊपर नीचे खाबड़ आपने देखा होगा, एक लेयर्स बन जाती हैं रेत के अंदर, उन्हीं को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पर पढ़ें थोड़ा सा, ठीक है, फिर आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा अलग अलग फार्मिंग की, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हम लोग, देखिए कि हवा को रोकना ही मेन हमारा मकसद है, हमें सोइल इरोजन को कम से कम मिनिमाइज करना है, ठीक है। सो हिमालय में मैंने आपको बताया, ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग होगी, ठीक है, और दूसरा वहां पर शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल होता है, सिमिलर टू वे रोज ऑफ द सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, दीस शेल्टर बेल्ट्स हैव अ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स एंड द स्टेबिलाइजेशन द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया में आपको यह देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, मे बी आपको विजिबल है नहीं सही तरीके से, ठीक है, ये देखिए, ये तो आपका जो है, आपको ये शेल्टर बेल्ट का एग्जाम्पल है। देखो आप शेल्टर बेल्ट में क्या होता है कि ना एक खेत के ना चारों तरफ, एक खेत के चारों तरफ क्या लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, ये पेड़ हो गए यहाँ पर, इस तरफ में पेड़ हो गए, ठीक है, जिससे जो हवा उड़े, जो हवा है ना मिट्टी को उड़ाएगी नहीं, और फर्टाइल सोइल वहीं रहेगी कंटिन्यू जो है, और इसको वो पेड़ों को जो है फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी खेतों की, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर हमने बात की थी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये आपकी जो है स्ट्रिप फार्मिंग होगी आपकी, ठीक है, स्ट्रिप फार्मिंग होगी आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी कंटोर फार्मिंग होगी आपकी, ठीक है, ये आपकी टेरिस फार्मिंग होगी। तो ये सारी की सारी जो फार्मिंग है ना, हमें हमारे जो वेस्टर्न, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स होगी, हिमालय वाला ईस्टर्न पार्ट हो गया, फिर वेस्टर्न हो गया हिमालय वाला, वहां पर ये चीजें प्रैक्टिस की जा रही हैं, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर हमें इन चीजों को और ज्यादा इन्हेंस करना पड़ेगा, इनके अंदर जो है हमें टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट खत्म होता है, ठीक है, ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आपका, क्लास 10th का एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा का पूरा मैंने करवाया आपको, ठीक है। तो आगे जो आपकी वीडियो है वो कंटिन्यू आती रहेंगी। सो देखो हमारा ये पूरा का पूरा जो वीडियो बन रही है, पूरी की पूरी एनटीएससी बेस्ड है, ठीक है, और इसको आप लोग जो है एनटीएससी ना समझे, ये सीबीएसई के बिहाफ पे, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना सारा का सारा, वही सारी की सारी आपको जो है क्लासेस, देखो पढ़ाई हर जगह कॉम, आप किसी भी टेस्ट की ना तैयारी कर लो, हर जगह आपको क्लासेस देखने से जो टेस्ट का सिलेबस होता है वो हर जगह इक्वली मिलता है, उसके अंदर आपको जो है रीजनिंग देखने को मिलती है, मैथ देखने को मिलता है, अगर हम कंपटीशन की बात करें, ठीक है, जीके की बात करें, जीके आएगी उसके अंदर, ठीक है, इंग्लिश आएगी, चार चीजें होती हैं। तो एनटीएससी में भी आपके जैसे सोशल साइंस होगी, मैथ हो गया, ये सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो आपको जो है इसको सीबीएसई वाले बच्चे भी इस वीडियो के लिए बेस्ट जो है देख सकते हैं, उनके लिए भी बेस्ट है, और जो एनटीएससी है या कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है क्लास 9th में, क्लास 10, खासकर 10th का ही सिलेबस है, तो क्लास 10th का बच्चा ही पढ़ेगा इसको, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद है सीखना, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी इस वीडियो बनाने का, देखो पढ़ तो आप खुद भी सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं पढ़ाई के बारे में कि भाई हम उनको, हमें थोड़ी बहुत ही हेल्प चाहिए होती है, थोड़ा सा हमें जो है क्लिक चाहिए उस चीज़ के लिए कि हम थोड़ी सी हेल्प मिल जाए हमें उन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। और पढ़ाई देखो, पढ़ाई एक चीज ऐसी है कि आपको पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, ठीक है, कुछ चीजें फोर्सफुली लगाई जाती हैं ऊपर आपके, ठीक है, कि भाई चलो पढ़ाई कर लो, कुछ आप ये बन जाओगे, तो हमें
हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए मेन चीज़ तो, कोई भी काम करते वक्त, ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मोटिवेशन से ही करनी चाहिए। हमारे पास अपना गोल होना चाहिए जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कि गोल इन सेंस क्या है कि आप जो भी बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, देखो अगर आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनना चाहते हो, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम वहाँ का बड़ा से बड़ा, ठीक है, तो उसके लिए एनसीईआरटी बेस है, क्लास 6 से लेकर का क्लास 10 12th की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी नीट या फिर जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लास 10 तो आपको वहां से भी करके जानी पड़ेगी इन सेंस, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको कंटिन्यू करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्लास, ये पार्ट 3rd था क्लास 10th का, और 1 और 2 मैंने करवा दिया, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी है, वहां से भी उनको आसानी से देख सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई आपका इशू है, इट मीन्स कोई मैंने बात कोई गलत कंटेंट बताया है, कुछ भी आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन हमें लगता है कि ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो थैंक यू सो मच।